बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को दिया जाने वाला पुष्टाहार दलिया और पंजीरी नहीं मिलेगा। इसकी जगह अब उन्हें सूखे राशन का वितरण किया जाएगा, जिसका वितरण राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूह की महिलाओं की ओर से किया जाएगा। दरअसल महिलाओं को रोजगार से जोड़ने और केंद्रों पर दलिया और पंजीरी वितरण में गड़बड़ी रोकने के लिए किया जा रहा है। समूह की महिलाएं टेक होम राशन के तहत बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं का सूखा राशन के तहत चावल, दाल और गेहूं का वितरण करेंगी। इसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से भी जोड़ा जाएगा, जिसके संबंध में मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर महिला समूहों के द्वारा ड्राई फ्रूट्स का वितरण किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी, उसमें जो हमारे समूह हैं, समूह में के द्वारा अब आंगनवाड़ियों तक पोष्टाहार पहुंचाया जाएगा। और इस महीने जो व्यवस्था रहेगी उसमें जो दाल चावल की व्यवस्था के लिए कहा गया है, तो इसलिए समूहों को राशन कार्ड की दुकानों के साथ जोड़ा गया है, राशन की दुकानों के साथ, और जो समूहों को फिर आंगनवाड़ी से जोड़ा गया है। तो ये व्यवस्था के लिए आज बी सी गई है। हाँ, समूह द्वारा किया जाएगा। अभी आने वाले समय में हम लोग उसमें उनकी फैक्ट्रियां भी लगा रहे हैं जहाँ वो बनेगा, लेकिन तब तक वो जब फैक्ट्रियां नहीं लग जाती तब तक हम लोग ड्राई राशन वितरित कर रहे हैं।